हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड ने दस्तक दे दी है और मैं आज बनाने जा रही हूँ मेरी फेवरेट मेथी के थेपले, जो जेठालाल के लिए दयाबेन बनाती है गुजराती मेथी के थेपले। तो सबसे पहले हमने 250 ग्राम मेथी ली, उसे कटिंग करी, धो के अच्छी तरह उसे कटिंग करी। उसके बाद में उसमें हमने डाला अजवाइन, और उसके बाद में एक कटोरी डाला मैंने गेहूँ का आटा और एक कटोरी डाला बाजरे का आटा। उसके बाद में उसमें डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद में अब मैं उसमें मिला रही हूँ धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। उसके बाद में डाला मैंने लाल मिर्च पाउडर, अब उसमें थोड़ा मैंने नमक भी ऐड कर दिया। अब मैं इन सारी सामग्री को अच्छी तरह मिला लूँगी। और मेरे पास तो मैं इसमें एक भुना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ा था, तो अब मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। तो ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, जो कि इसका स्वाद और भी बढ़ाएगा। अब हम इस सारी सामग्री को धीरे धीरे पानी करके अच्छी तरह गूंद लेंगे, ना ज़्यादा और थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं तेल, ताकि ये चिपके नहीं और अच्छी तरह आपका आटा गूंद के तैयार हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया ताकि बाइंडिंग बने पानी, और इसे धीरे धीरे पानी डालूंगी ताकि ये ज़्यादा ढीला ना हो और आपके थेपले के हिसाब से तैयार हो जाए। अब मैंने सारा थेपले का आटा, गुजराती थेपले का आटा गूंद के एक रख लिया है। ये देखिए आटा गूंद के रखा हुआ है। अब मैं बनाऊंगी गुजराती थेपले। अब मैं सबसे पहले छोटी सी लोई लूंगी, उसे अच्छी तरह गोलाई करके अब मैं उसके बनाऊंगी थेपले। ये देखिए ये मैं बेल रही हूँ अब, ताकि मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया तो वो चिपके नहीं। अब ये मैंने पहले से ही तवा ग्रीस करके रखा होता, उसमें मैं थेपला डाल रही हूँ। अब मैंने उसे पलट दिया है थोड़ा सेकने के बाद में, अब धीरे से पलटा ताकि वो टूटे नहीं। और उसके बाद में मैंने उसे दोनों थोड़ा सा तेल लगाया, तेल लगाने के बाद में पलट के दूसरी तरफ भी मैंने तेल लगा दिया। अब अच्छी तरह उसे मैंने सेक लिया। ये थेपले आप बहुत सारे बना के फ्रिज के लिए 1 हफ्ते के लिए थेपले रख भी सकते हो, और उसके बाद में कभी भी आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अचार के साथ इंजॉय कर, आप भी अचार के साथ इंजॉय कर सकते हो। और मेथी खाने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, शुगर लेवल भी सही रहता है और आपकी पेट की समस्या भी नहीं रहती है। ठंड का मौसम आ चुका है, आप भी मेथी के पराठे बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और भी वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वो वीडियो बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी और आपको दिखाऊँगी अपने चैनल पे। और थैंक यू, अब मिलेंगे नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।